Hey guys, welcome back to my channel, The Rhapsodical. This is Priyanka, and as I have mentioned in my title, today I am going to share with you my extremely detailed skincare with you guys. A skincare routine is something that every girl or man should follow in their life. No matter what skin type you are, oily, combination, sensitive, dry, every skin deserves a good skincare routine. This video is already going to be very long, so main bilkul bhi der nahi karungi aur aap logo ke saath share karungi apna skincare routine. But before that, make sure that you have subscribed to my channel for more such videos and press the bell icon next to it so that you get notified whenever I upload a new video. So yeah, without any further ado, let's dive into the video. किसी भी स्किन केयर को करने के लिए जरूरी है उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जानना. हर किसी का एक अलग होता है. कोई कुछ चीजें पहले करना पसंद करता है, कोई कुछ चीजें बाद में करना पसंद करता है. हर किसी का अपना एक स्किन केयर रूटीन होता है. तो मैं आपको दिखाऊंगी कि एक नॉर्मल स्किन केयर रूटीन क्या होता है. सो अगर आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं पता कैसे करते हैं तो आप इस वीडियो को देख के एक अंदाजा लगा सकते हैं. दिस इज हाउ आई डू माई स्किन केयर एंड आई डू इट इन एवरी 15 डेज. आई प्रेफर टू डू इट इन एवरी 15 डेज क्योंकि हर जो एक सुबह का और एक शाम का एक अलग डेली स्किन केयर है वो तो एक अलग है. और अगर आपको रात का स्किन केयर रूटीन देखना है जो कि दुनिया का सबसे छोटा स्किन केयर रूटीन है, सो आई विल लिंक अप द वीडियो हियर. सो द फर्स्ट स्टेप इज टू वॉश योर हैंड प्रॉपरली. आई हैव ऑलरेडी वॉश्ड माय हैंड विद अ हैंड वॉश एंड द सेकंड स्टेप इज टू क्लेंज योर स्किन. सो यार गाइस, इससे पहले भी एक स्टेप आता है जो कि होता है मेकअप रिमूवर, बट मैं अभी वो नहीं करूंगी क्योंकि एक तो मैंने कोई भी मेकअप नहीं पहना है. तो अगर आप लोगों ने मेकअप किया है तो आपको सबसे पहले अपना मेकअप रिमूव करना है. सो मेकअप रिमूव करने के लिए मैं यूजुअली यूज करती हूँ ये बायोडर्मा का H2O सेंसिबल वाटर. दिस इज अ वेरी नाइस प्रोडक्ट गाइज. मतलब इवन इफ यू आर वेयरिंग अ डार्केस्ट आई मेकअप, यू जस्ट हैव टू वेट फॉर 3 सेकंड. अपनी कॉटन पैड में लो इसको, थोड़ा सा 3 सेकंड के लिए इसे रखो और उसके बाद अगर आप स्वाइप करोगे तो बहुत आसानी से 80% आपका मेकअप निकल जाता है. तो आपको बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप रगड़ रहे हो, जो करना भी नहीं चाहिए ऑफकोर्स, बट आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता. तो आई यूजुअली क्या, आई मोस्ट ऑफ द टाइम यूज दिस ओनली. एंड आफ्टर दैट, मेकअप रिमूव करने के बाद आपका अगला स्टेप होता है क्लेंस करना, अपनी स्किन को अच्छे से डीपली क्लेंस करना. उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये कॉस्मेटिक फूड का क्लेंजर जो कि बहुत पुराना है. मतलब बहुत पुराना एज इन मेरे को इसको काफी टाइम हो गया, 7-8 महीने हो गया, और मेरे को मैं इसको काफी यूज करती हूँ. ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आता तो ये आराम से एक साथ चल जाता है, बट मैं इसको डेली यूज नहीं करती हूँ. मैं इसको जब भी मैं डिटेल स्किन केयर कर रही होती तभी यूज करती हूँ. तो ये अभी तक चलता आ रहा है. थोड़ा सा पानी मैंने अपनी स्किन पे लगा लिया है और मैं लेने वाली हूँ ये टूटा हुआ है, इसका पंप टूट गया एक्चुअली, तो मैं ऐसे ही निकाल लेती हूँ, इट्स क्वाइट इजी. तो मैंने फेस पे पानी लगा लिया है थोड़ा सा और अपने नेक पे भी पानी लगा लिया. ये बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, एक पंप काफी होता है. सो दिस मच द क्वांटिटी I am using for my face and neck. And make sure guys, whatever skincare you are doing, just make it down to your neck as well. इस तरीके का कोई भी टैंक टॉप या कुछ भी स्लीवलेस पहन लीजिए जिससे आपको ईजी रहे कि आप नेक पे भी काम कर सकते हैं अपने स्किन केयर का. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो वाई यू हैव टू क्लेंज योर फेस फॉर 60 सेकेंड्स. नाउ आई हैव वॉश माई फेस एंड नेक विद नॉर्मल वॉटर एंड हैव पैड ड्राइड इट. सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू स्क्रब. नाउ टू स्क्रब ऑफ ऑल द इम्प्योरिटीज एंड डर्ट फ्रॉम माई स्किन, आई एम यूजिंग वाओ स्किन साइंस का ये चारकोल एक्टिवेटेड स्क्रब. एंड दिस इज लाइक वेरी रियली नाइस स्क्रब. ये बहुत ज्यादा हार्श नहीं होता स्किन पे, सो आई एम गोना यूज दैट एंड इट्स रियली इम्पॉर्टेंट. अगेन आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑन माई फेस एंड देन आई विल गो डाउन टू द नेक. Make sure that you are gentle to your skin and not very harsh. You only have to scrub your face for 2 to 3 minutes. You don't have to scrub it for more than that. So it's enough if you do it for 2 to 3 minutes. Scrubbing हो चुकी है और आप इसे देख रहे होंगे कि already skin कितनी निखर के आ रही है. You can see the glow and everything. It's very nice. Usually मैं जो क्रीमी टेक्सचर वाले जो फेस मास्क होती है पहले उनको लगाती हूँ एंड देन मैं शीट फेस मास्क भी लगाती हूँ. मुझे दोनों ही करना अच्छा लगता है क्योंकि इट गिव्स माई स्किन मोर ग्लो एंड मेक्स माई स्किन फील मोर हाइड्रेटिंग. तो करेंटली आई एम क्रशिंग ऑन दिस सांग्रिया फेस मास्क फ्रॉम वाओ स्किन साइंस, बट आज मैं ये नहीं करूंगी. आई हैव अ कॉल एट 8:30 एंड इट्स ऑलरेडी 8:15, सो मैं फटाफट से निपटाने की कोशिश करती हूँ. तो नाउ आई एम गोइंग अहेड विद दिस पोमेग्रेनेट फेस मास्क फ्रॉम फेस शॉप एंड आई लव फेस शॉप के
फेशियल मास्क, वी ऑल नो हाउ सुपर हाइड्रेटिंग दीज आर, सो इसके लिए मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है. आई एम जस्ट डायरेक्टली गोइंग टू अप्लाई इट ऑन माई फेस. आई एम गोइंग टू कीप इट ऑन माई फेस फॉर लाइक 15 मिनट्स. एंड यूजली मैं ये स्किन जो ये ऐसा कुछ नाइट या डे के हिसाब से नहीं है, ये जब भी मेरे को करना होता है, जब मेरे पास टाइम होता है रात में या दिन में, कभी मेरे पास टाइम होता है तो मैं इसको कर लेती हूँ इरिस्पेक्टिव द टाइम. Now I'm going to look really funny. I'm going to leave it for like 15 minutes and I'll get back to you guys. So जो 15 मिनट हो गए हैं और जो शीट मास्क है वो मैंने हटा दिया है, उसका जो थोड़ा सा जो मॉइस्चर है वो इस तरीके से आपके स्किन पे रह जाता है, तो what I like to do, मैं इस तरीके से थोड़ा सा मतलब पैटर्न करके सारा का सारा मैं 1-2 मिनट के लिए इस तरीके से थोड़ी सी अपने स्किन पे मसाज करती हूँ. एंड I just like to go this into my skin. So now this is how my skin looks like. I feel like again I'm saying the same thing, but it's actually what I'm feeling right now. My skin feels so hydrated. जब भी हम कोई भी स्किन शीट मास्क लेते हैं, फेस शीट मास्क लेते हैं, उसके अंदर जब हम वो शीट निकालते हैं लगाते हैं, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर थोड़ा सा जो जेल होता है वो ऑलरेडी रह जाता है. मैं वो जेल लेके अपनी नेक पे लगा लेती हूँ, जिससे कि जो मॉइस्चराइजर है, क्योंकि वो जेल ही बेसिकली सारा काम कर रहा होता है, शीट सिर्फ उसको इंटैक्ट रखने के लिए होती है, तो वो मैं नेक पे लगा लेती हूँ. एंड नाउ आई एम डन. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टोनर. तो मैं कोई भी गुलाब जल यूज कर लेती हूँ. करेंटली आई एम लविंग दिस गुलाब जल फ्रॉम वाइल्ड ऑर्गेनिक. दिस इज सो 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 अ बॉम प्रोडक्ट गाइज, यू वोंट बिलीव. इसको स्प्रे करने के बाद ही है ना, मतलब एक्चुअल ग्लो जो होता है ना वो आपके स्किन पे नजर आता है. दिस इज अ स्प्रे बॉटल. आई एम गोइंग टू स्प्रे इट ऑन माई स्किन. एंड नाउ as you can see, again I am going to pat it down into my skin so that my skin absorbs it properly. And I'm going to wait like for a minute or until it gets dry. And instead of rubbing, I just do patting. And now I'm done. Like I told you guys, you can see the glow. किस तरीके से skin जो है वो हाइड्रेटेड लग रही है, बेटर लग रही है जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी और जब मैंने वीडियो अप करी है, तो किस तरीके से बेटर लग रही है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. आई जस्ट लव 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 डूइंग दिस स्टेप बिकॉज आई लव दिस सीरम फ्रॉम बेला वीटा. आई लव दिस. इफ यू हैव सीन माई प्रीवियस वीडियो, यू नो आई यूज दिस एवरी सिंगल टाइम बिफोर माई मेकअप, बिफोर माई डूइंग माई स्किन केयर. आई जस्ट लव दिस. एंड ये खत्म हो चुकी है, इसको हो गए हैं 2 साल के करीब, और ये अभी तक चल रही है, पर अब नहीं चल रही है, अब ये खत्म हो चुकी है. इसमें से इफ यू कैन सी लाइक इसमें से इतना थोड़ा सा जितने ये रैप है इतना गिर चुका था, उसके बाद भी ये 2 साल चल गया. अगर वो भी चलती तो 2.5 साल चल जाती. मैंने इसको 2018 के एंड में मंगवाया था और 2020 का एंड आने वाला है. लाइक पूरा 19 चल गई एंड 1.5 साल चल गया, एक्चुअली 2 साल चल जाती. और ये बहुत ही अब मेरे को अभी ड्रॉपर इसके साथ आता है, उससे नहीं निकलती है, तो मुझे ये ऐसे हाथ में लेके निकालनी पड़ती है. और बहुत ही स्मॉल अमाउंट चाहिए होता है. नो मैटर व्हाट स्किन टाइप यू आर, यू कैन जस्ट यूज इट. बट अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप मेक श्योर कि आप 2 ड्रॉप से ज्यादा ना लें. अगर आपको लगता है तो आप 3rd ड्रॉप बाद में ले सकते हैं, बट डिपेंड करता है. लेकिन कोई भी स्किन टाइप हो, दिस इज अ बॉम्ब प्रोडक्ट गाइज. जस्ट गिव इट अ ट्राई, यू विल लव दिस. यू विल लव हाउ इट गेट एब्जॉर्ब इन टू योर स्किन. इट नॉट इवन स्टिकी, इट्स नॉन स्टिकी कम्प्लीटली, एंड बहुत ही अच्छा लगता है. मेक श्योर जब भी आप कुछ क्रीम या मॉइस्चराइजर इस तरीके का सीरम अप्लाई करें, तो अपने स्किन को ऐसे ना करके हमेशा ऊपर की तरफ अपवर्ड करें. इससे आपको हेल्प मिलेगी चीक्स बोन गेन करने में. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, अगेन मॉइस्चराइजिंग. ये सीरम भी अच्छे से, काफी अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है, बट इसके अलावा भी जो एक्चुअल मॉइस्चराइजर चाहिए होता है वो बहुत जरूरी होता है स्किन के लिए. आई लव टू यूज दिस पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल. यू हैव सीन सो 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 मेनी ब्लॉगर्स एंड यूट्यूबर्स रिव्यूइंग दिस प्रोडक्ट. आई डोंट नो उनको PR में मिलता है, उन्होंने खरीदा है, पर ये मैंने खरीदा है और दिस इज लाइक रियली 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 वेरी नाइस प्रोडक्ट. इट स्मेल सो नाइस एंड माइल्ड. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू टेक इट ऑन द बैक ऑफ माई हैंड
एंड विद दिस आई लाइक टू एड अ लिटिल बिट ऑफ विटामिन ई ऑयल एंड विटामिन ई ऑयल इज सो 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 गुड फॉर योर स्किन सो आई लाइक टू एड अ लिटिल बिट ऑफ विटामिन ई सो मेक श्योर गाइज दैट इफ यू आर यूजिंग विटामिन ई ऑयल सो वो बहुत ज्यादा ना हो मतलब लाइक products like vitamin E and vitamin C could be like really harmful to your skin as well अगर आप उनको सही quantity में नहीं use करते हो don't use them directly first of all and even if you are doing using them mixing into any kind of like moisturizer something like that then make sure that you are using a good quantity just don't you know बहुत ज़्यादा नहीं use करना है what I want to say So the vitamin E oil I'm using today is from Deve Herbs. This is like a pure vitamin E oil, 100% natural. Now it's a little expensive product, guys. ये मुझे इतनी छोटी सी बॉटल है, बहुत ही छोटी सी बॉटल है. ये कुछ 300 रुपए की पड़ी है. और इसके साथ अगर मैं ड्रॉपर मंगवाती, तो ये और भी महंगी पड़ती. तो मैंने ड्रॉपर के साथ नहीं मंगवाई. So I'm going to add one and two, and that's all. So now I'm going to mix these two things. Vitamin E is so 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 good for your skin guys. Just try, give it a try and आप कोई भी ब्रांड का विटामिन ई ऑयल यूज कर सकते हैं बट ये 100% नेचुरल है that's why I use it and that's why I trust it and as you can see a little bit of vitamin E and moisturizer gives your skin such a good amount of glow. Now this is the second last step guys to Give your eyes a proper hydration. This is from Saint Botanica and this is an under eye cream and मुझे इसको use करते हुए बहुत ज़्यादा time नहीं हुआ है तो मैं इसको ज़्यादा review नहीं करूँगी मेरे बहुत ज़्यादा dark circles हैं अगर आप देख रहे होंगे तो थोड़ी सी लेके ये लगा लूँगी और पता नहीं बट ये अभी तक like मेरे को बहुत ज़्यादा time नहीं हुआ dark circles को ऐसे कुछ reduce करने में help तो नहीं किया है as of now But it's like a super hydrating product, so I love to use this. And what I'm going to do, थोड़ा सा amount लेके अपने eyes के under eye पे रख के अपने eyelid और eye पे इस तरीके से हल्का हल्का pressure देके बहुत ही light pressure देना है और इस तरीके से tap करना है eyes पे भी और eyelids पे भी And that's all. And I am loving my skin after applying this Pond's gel moisturizer and vitamin E. It's like super glowing now. Now, last but not the least, don't forget to moisturize your lips properly. And nothing could be better than this to moisturize your lips. So, like Vaseline, all time favorite, सबके favorite होती है. कोई moisturizer की जरूरत नहीं है. ये लगा लो. अगर ये भी नहीं है आपके घर में, क्योंकि मैंने मतलब हाँ है मेरी जिंदगी में ऐसे घर पे विजिट किया जिनके पास वैसली नहीं होती तो कोकोनट ऑयल तो हर किसी के घर में ही होता है या फिर बादाम का ऑयल वरना घी घी तो हर किसी के घर में ही होता है यू कैन अप्लाई दैट मैं अभी बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट लगाऊंगी बट व्हाट आई यूजुअली डू मैं रात को सोने से पहले जब मैं पूरा स्किन केयर अपना कंप्लीट कर लेती हूँ रात को सोने से पहले मैं बहुत सारा लाइक अ गुड अमाउंट लेके अपने इस पे मसाज नहीं करती बहुत ज्यादा सिर्फ हल्का एक बार लाइक एक इवन लेयर अप्लाई कर लेती हूँ उसके बाद सो जाती हूँ जितना भी चॉप्ड होता है मेरे स्किन वो सुबह वो जो लेयर होती है डैमेज्ड लेयर होती है वो निकल जाती है आराम से वैसलीन तो इट्स लाइक ऑल टाइम फेवरेट As you can see, my skin is so 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 glowing and feeling really nice right now. And as you can see, the glow and everything on my skin, it's like it's real, guys. और ये अगले एक हफ्ते तक ऐसे ही रहने वाली है एक हफ्ते बाद थोड़ा थोड़ा कम होने शुरू कर देती है So this is what I do for my skin. Like in every 15 days. जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं उनके लिंक्स मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जितने भी प्राइस है वो आई विल मेंशन देम ऑन द समवेयर ऑन द स्क्रीन एंड या दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज बट बिफोर आई लीव देर इज अ स्मॉल इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइज मंडे को मैं मिथ बॉस मंडे करके एक सीरीज डालती हूँ उसमें जितने भी मिथ होते हैं हेल्थ स्किन केयर हेयर केयर रिलेटेड वो मैं बस्ट करती हूँ तो अगर आप जानने में इंटरेस्टेड है कुछ इस तरीके के फैक्ट्स और मिथ्स जो आपको छोड़ देने चाहिए और फैक्ट जो आपको कंटिन्यू करने चाहिए सो प्लीज
go please visit my Instagram profile. I will mention my handle name on the screen somewhere and will leave the link in the description box below. So go please watch the videos. ज्यादा लंबी videos नहीं होती है, under 1 minute की होती है, जल्दी खत्म हो जाती है, तो आपको बहुत ज्यादा time भी नहीं लगता है और आपको बहुत ज्यादा अच्छी information भी मिल जाती है. So please don't forget to watch them as well. I'll see you in the next video, but before that make sure that you subscribe to my channel and hit the bell icon next to it so that you get notified whenever I upload a new video. And I'm almost running out of my breath. And please like this video, share it with your friends and comment down your thoughts. And I will see you in the next video. Till then, stay safe and bye bye.